मेक्सिकन डिश का एक बहुत ही बेसिक रैप बनाएंगे। उसका बेस आज हम बनाएंगे टॉर्टियास। ये मकई के आटे से बनता है, बहुत अच्छे होते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शुभंकरी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सूज फूड कॉर्नर पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा। तो ये टॉर्टियास बनाने के लिए बहुत बेसिक चीज़ चाहिए। यहाँ पे मैं मकई का आटा ली हूँ, ये कॉर्नफ्लोर नहीं है, बकायदा जिससे मकई का रोटी बनता है, दरदरा वाला, थोड़ा पीला कलर का रहता है, ये मकई का आटा है। इसको इंग्लिश में कॉर्न मिल बोलते हैं। मार्केट में इजीली पैकेट्स में अवेलेबल रहता है, तो उसका मैं एक कप ली हूँ। और उसके साथ यहाँ पे मैं आधा कप मैदा ली हूँ। आप आधा कप मैदा के जगह आधा कप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि मैं ऑथेंटिक मेक्सिकन फ्लेवर लाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे मैदा यूज़ कर रही हूँ। उसमें नमक डाल देंगे आधी छोटी चम्मच और थोड़ा ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। वहाँ पे ऑलिव ऑयल बहुत यूज़ होता है, तो दो बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल में डाल दी। अब सबको थोड़ा मिला लेंगे। अब गुनगुना पानी इसमें डाल के आटा सानेंगे। एक चीज़ है कि इसमें हम मकई का आटा यूज़ किए हैं, तो इतना आसानी से ये सनाता नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा हम इसलिए मैदा मिलाए हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सानने में आसानी होगा। तो इसलिए पहले मैं इसको स्पून से मिला दी, फिर हाथों से अच्छे से सान ली। देखिए आटा अच्छे से मैं लगा ली। अब इसको ढक के रख लेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट। अब 15-20 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लोई बना देंगे। मकई का आटा बहुत हेल्दी रहता है और टॉर्टियास नॉर्मली क्या होता है मेक्सिकन कुजीन में बना के रख लेते हैं और फिर यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे रोटी खाते हैं वैसे वहाँ पे मेक्सिकन कुजीन में टॉर्टिया यूज़ होता है। लेबनीज मेक्सिकन कुजीन में बहुत सारे चीज़ों का बेस होता है टॉर्टिया, चाहे रैप्स रहे, रोल्स रहे, फजीटास रहे, केसडिला रहे, कोई भी डिश रहो, मेक्सिकन डिश ये बेस रहता है। तो अगर हम ये घर में बना लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं अपना नेक्स्ट रेसिपी इसी का रैप्स बताऊंगी। तो थोड़ा सा मैं इसका मैदा छिड़क के इसको बेल लेंगे, क्योंकि हम मकई का आटा से बना रहे हैं तो बेलेंगे तो साइड वाला फटेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसको एक साइज से काट देंगे। देखिए तो जितना पतला, ज़्यादा पतला नहीं, मीडियम पतला बेल लें, साइड से फटेगा तो उसमें कोई इश्यू नहीं, क्योंकि हम अल्टीमेटली इसको रिमूव कर लेंगे। तो मेरा एक रोटी शेप का बना दी, थोड़ा बड़ा ही साइज का। अब एक प्लेट रख के साइड से इसको किनारे वाला निकाल दूंगी, तो बस मेरा एक टॉर्टिला रेडी हो जाएगा। इस तरह से करने पे दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि साइड वाला आपके अच्छे से कट गया और दूसरा सारा टॉर्टिला सेम साइज का बनता है, तो वो थोड़ा जरूरी होता है, क्योंकि उनके डिशेस में अगर रैप्स एक साइज के हो तो डिशेस का खाने का बनाने का तरीका और खाने में ज्यादा अच्छा लगता है। उसी तरह से मैं दूसरा बेल दूंगी, थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसको ऐसे करके, फिर एक प्लेट रख के, आपके पास अगर कुछ कटर हो तो उससे भी कर सकते हैं, पर मैं हाथों से ही साइड से निकाल दी। तो दूसरे वाला मेरा टॉर्टिला भी रेडी है। इसका पीला कलर जो दिख रहा है आप, ये मकई का आटा से आया है, तो इसका यही बेस होता है। अब चलते हैं इसको कुक करने के प्रोसेस में, सेकने के प्रोसेस में। अब उसको पैन को, एक तवा को मैं मीडियम आंच पे गर्म की हूँ, उस पर डाल के एक साइड पलट दूंगी। इसमें कुछ तेल वगैरह नहीं डालाएगा, ऐसे ही सूखा हम सेकेंगे। तो 30-40 सेकेंड बाद देखिए कलर आ जाएगा, तो उसको पलट दूंगी जैसे हम रोटी सेकते हैं तवा पे, बिल्कुल वैसे ही। तो पलट पलट के इसको हम ऐसे सेक लेंगे, देखिए धीरे धीरे फूलने लगेगा ये। इसका सबसे खास बात ये होता है कि ये बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, और जब कुछ पार्टी हो या बच्चों का कुछ टिफिन देना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार बनाने पे आसानी से 3-4 दिन तक इसको रैप करके रखने पे रख सकते हैं, और इसका आटा भी हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम तेल डाले हैं तो वो ख़राब नहीं होता है। उस तरह से मैं दूसरा टॉर्टिला बना लूँगी। मैं आपको आज ये रेसिपी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगले मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉर्टिला रैप्स बनाऊँगी। बहुत ईजी रहता है, मेक्सिकन क्यूजिन में, लेबनीज क्यूजिन में बहुत यूज़ होता है। तो मेरा दूसरा वाला भी रेडी हो गया, बस ऐसे ही सेक सेक के रखना है। बहुत हेल्दी टॉर्टिला रैप्स हमारा रेडी हो गया। देखिए इजीली बन जाता है, पैकेट वाले जो मार्केट में मिलते हैं उससे घर का बना हुआ का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा चीज़ है,
जो हम नॉर्मली रोल्स वगैरह खाते हैं इंडियन कुजिन में, उसमें हम बहुत तेल और घी डाल के उसको सेकते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी हेल्दी रहता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।